बाजार के पंडित। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। मैं हूं प्रभास मिश्रा। आज आगे मैं फिर से एक नया वीडियो लेके, तो आज बात करेंगे आइडिया मुद्रा फोन से रिलेटेड। यहाँ पे मैं तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जिसके कारण आपका शेयर डाउन हुआ है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उसमें मूवमेंट रखना है। तो आपको ये रहेगा, इसके अलावा हम लोग बताने जाते हैं जो कि हम लोग इंटरडे की कॉस देते हैं और हम लोग को भी कोई कॉस देते हैं, तो आपको देखिए हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, अपना एग्जिट प्राइस भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगाए रहते हैं ताकि मार्केट अगर कोई भी करेक्शन देती है तो आपके लॉसेस बहुत कम से कम हो। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज बात करेंगे आइडिया वोडाफोन से रिलेटेड। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूंगा, हमारा प्रीवियस वीडियो जो आइडिया वोडाफोन पे आया है वो जरूर देख लीजिएगा, वो नंबर 1-2 पे रैंक कर रहा है पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो आज ट्रू हो गई है। जैसा कि मैंने बताया था कि 3.52 का लेवल अगर आइडिया वोडाफोन तोड़ेगा तो ये सीधा 2 रुपए के आसपास आपको 2 रुपीज के लेवल्स दिखाना शुरू करेगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हैवी सेलिंग प्रेशर आया जैसे 3.52 का लेवल टूटा, तो ये हम लोग बहुत ही कंसर्न रह के आपको ये बात बताते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहली बिग अपडेट क्या है आइडिया वोडाफोन शेयर गिरने की, तो पहली अपडेट ये है कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि सारे जितने भी टेलीकम्युनिकेशन जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें क्या करना है कि जितने भी उनके कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, लाइसेंस फी है और जितने भी कैरिंग और जितने भी ड्यूज हैं उन्हें विद इन 3 मंथ्स में क्या कर देना है, पेमेंट कर देना, उनका पेमेंट कर देना है, जिनकी बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। यानी कि जितने जाए भारतीय एयरटेल को भी आपने देखा होगा कि 5% तक गिर गया था वो, और उसके बाद ये सेकंड जो था आइडिया वोडाफोन सबसे ज्यादा 22% तक उसने करेक्शन दिखाया। तो ये पहला था कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आपके जितने भी ड्यूज पेंडिंग में है उन्हें विद इन 3 मंथ्स तक आपको पेमेंट कर देना है। सेकेंड चीज, बिरला ग्रुप जो कि इन्फ्यूज करने जा रहा था, ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि बिरला ग्रुप जो है कि इन्फ्यूज फ्रेश कैपिटल करेगा आइडिया वोडाफोन में, तो ये बात भी आज नकार दी गई है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जा रहा है, बिरला ग्रुप ने कह दिया है कि वो किसी भी तरीके का नया इन्फ्यूजन इन द आइडिया एंड वोडाफोन कंपनी में नहीं करने जा रहा है, यानी कि न्यू फ्रेश कैपिटल किसी तरीके से भी वो नहीं लगाएगा। थर्ड जो बिग डील है, ये इसके कारण शेयर गिरा नहीं है बल्कि थोड़ा सा आपको ये सहूलियत देगी, जो स्टेटमेंट आया है सीईओ ऑफ द कंपनी आइडिया वोडाफोन ने ये अश्योर किया है कि उन्होंने बताया है कि वी आर नॉट क्विटिंग द इंडिया, यानी कि इंडियन मार्केट में हम लोग क्विट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एग्जिस्ट रहेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने क्या कर दिया है, माफी भी मांगी है। तो ये बिग अपडेट्स थे आपके जिसके कारण इतना बड़ा प्रेशर देखने को मिला आज सेलिंग आइडिया वोडाफोन के। इसके अलावा हम लोग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हम लोग आपको बार बार बताते रहते हैं कि रिलेवेंट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और हमारे लेवल, चाहे आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देख लीजिए, चाहे यस बैंक में देख लीजिए, चाहे आलोक इंडस्ट्री में देख लीजिए, किसी में भी हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो हम लोग बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, हमारी रिसर्च टीम है पूरी उसके थ्रू हम लोग करते हैं, तब आपको लेवल्स बताते हैं। तो वो लेवल्स पे आपको बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहना होता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज विच आर एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर मार्केट टुडे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग ये बता दीजिए कि यस आई एम द बिगिनर, और इंट्राडे की कोर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल पे यस कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।